हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब लोग परेशान हैं भैया, रेलवे स्टॉक में क्या करें, लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो रेलवे के शेयर में गिरावट क्यों हुई उसको तीन डेटा से दिखाएंगे। चार दिन की वर्किंग की है उस तीन डेटा को निकालने को, क्योंकि उसमें से एक HFT का डेटा भी है और वो HFT का डेटा बिग आई ओपनर होने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा, पेपर पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये अगर नोट कर लिया ना तो आगे भविष्य में किसी भी सेक्टर में जब बम्पर रैली होती है तो कैसे प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं या कैसे HFT को ट्रैक करते हैं या किसको ट्रैक करते हैं उसमें पूरी हेल्प मिलेगी। बट अच्छी बात क्या है, आज रेलवे का स्टॉक मेजर सपोर्ट से बाउंस हुआ है। मेजर सपोर्ट मतलब ये एक टॉप था जहां से गिरावट हुई और ये दूसरा टॉप था, यानी ये ब्रेकआउट हुआ डबल टॉप का, और उसके बाद आज मार्केट उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहीं से ऊपर गया। रेलवे का दूसरा शेयर IFC भी देखोगे तो ये मेजर सपोर्ट है, जहां से तेजी हुई थी वापस उसी लेवल से जंप हुआ। यानी काफ़ी सारे रेलवे के शेयर आज मेजर सपोर्ट से जंप हुए, यानी प्राइस एक्शन को इस मार्केट में भी रिस्पेक्ट किए हैं। और कल जब मैं लाइव आया था, अगर आप लाइव सेशन में ना जुड़े हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, जहाँ लोग कल डरे हुए थे वहाँ पे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमने आप लोगों के साथ ये मेज़र सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है यहाँ पर डिस्कस किया था। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का ये मेज़र सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जहाँ पे लोग डर रहे थे, और आज मार्केट ने वहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों उसी लेवल से मेजर बाउंस हुआ है। तो भैया ये है मेरे काम का सबूत, जहाँ पर हम रियल लर्निंग देते हैं और प्राइस एक्शन की वैल्यू। तो अगर आपको भी ये प्राइस एक्शन सीखना है तो आप 9708094321 पे कॉल कीजिए। 20% का दुर्गा पूजा डिस्काउंट ऑफर है, 10 अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कर पाएंगे कैश फ्यूचर ऑप्शन में कहीं भी, तो सीखेंगे और कमाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 मेगा धमाका स्क्रीनर आपको मिलने वाले हैं, जिसका फ्री सेशन हमने आपको दिया था और उसका अपडेट भी हमने टेलीग्राम में डाला था। अगर आप नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाइएगा, टॉर्पीडो स्क्रीनर से कैसे बम्पर पैसा मिला डेली बेसिस पर, उसका भी लाइव प्रूफ मैंने इस लाइव सेक्शन में दिखाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको लाइव आप फील कर सकें, क्योंकि जब आप लाइव प्रूफ देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया, लोग जहाँ नुकसान कर रहे हैं अगर एक रियल टीचर से सीखेंगे तो आप सीख के कमा सकते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और सीट बुक कीजिए। अब बात करते हैं रेलवे की, करना क्या है, जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना है और जिनको फ्रेश के बारे में सोचना है उनको क्या। लेकिन उससे पहले आप ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में से आधे चार्ज तो ब्रोकर के पास चले जाते हैं, तो हम आपको ब्रोकरेज बचा के देंगे। कैसे, देखिए ब्रोकरेज बचेगा सुनने बाय फिनवेसिया के थ्रू। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां सबका ब्रोकरेज जीरो है हर सेगमेंट में। फीचर को देखें तो पहला, नो ब्रोकरेज चार्जेस, चाहे इक्विटी हो, FNO हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सब फ्री। दूसरा, नो हिडन फी, अकाउंट ओपनिंग चार्ज शून्य, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज शून्य, आप कॉल करके ट्रेड करो उस पर भी चार्ज शून्य। तीसरा, नो प्लेटफॉर्म फी, आपको NSE, BSE, MCDX, NCDX पर एक्सचेंज बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग मिलेगा, और म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल कमीशन फ्री। वहां पर जब आप इसके कैलकुलेटर में आते हैं तो आप ये समझिए कि मान लीजिए इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और आपका बाई प्राइस है 500, आपने बेच दिया 600 में, ठीक है, क्वांटिटी आपकी थी 100, तो अब कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर देखिए टर्नओवर आ गया, ब्रोकरेज शून्य, STT चूँकि सरकार को जा रहा है, ट्रांजैक्शन चार्ज सरकार को जा रहा है, अदर क्लियरिंग चार्ज शून्य, GST, सेबी फी सरकार को जा रहा है। इसका मतलब ब्रोकिंग हाउस आपसे कुछ नहीं ले रही है, तो ये प्रूफ है। साथ ही एक और जबरदस्त फीचर है सुनने का, AI बेस्ड स्टॉक प्रिडिक्शन करते हैं। ये टूल आपको बताएगा कैसे स्टॉक में आने वाले दिन में अपसाइड डाउनसाइड दिख सकता है, स्मार्ट डिसीजन लेना आसान हो गया। तो अभी सुनने पर अकाउंट खोलिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, मार्केट में क्या कोई स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा सकता है? आंसर है बिग नो। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो हायर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन होगा। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। अब अगर बैंक निफ्टी लें तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब आप कहेंगे निफ्टी दिखाया सर, स्टॉक तो दिखाओ,
अगर आप स्टॉक पे आ जाओ तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, आई बात समझ में? अब यहां से जब गिरावट शुरू हुआ तो ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे। तो ये जो था मार्केट की, ये होती है रियल चाल। जब अप ट्रेंड का स्टॉक नीचे जाने लगे तो हम प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे देते हैं, और यही है रेलवे के स्टॉक के गिरने का पहला रीज़न, प्रॉफिट बुकिंग। इसको लाइव प्रूफ और डिलीवरी डेटा से समझाता हूँ, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्टॉक को रेगुलर ट्रैक करेंगे तो आप अपनी एंट्री और एग्जिट को भी समझ पाएंगे और किसी दूसरे सेक्टर में भी हेल्प ले सकेंगे। अब ये 8 अप्रैल 2024 से लेकर हम अभी कहाँ खड़े हैं, अक्टूबर में खड़े हैं। ये डेटा हमने, अब आप सोच लो कितनी मेहनत किए हैं 4 अक्टूबर तक। आप लोग को लगता होगा वीडियो बनाना 2 मिनट का काम है, आपको बहुत रियल इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। यहाँ पर पूरा डेटा निकाला है कि भैया क्लोज प्राइस क्या था, एवरेज प्राइस क्या था, टोटल ट्रेड क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड क्या था और डिलीवरी क्वांटिटी क्या थी। तो आप पता है इस पूरे में पाओगे कि एवरेज डिलीवरी 68.6 लाख थी। 5 जुलाई से 12 जुलाई में ये सडनली 1.9 करोड़ थी और आफ्टर 13 जुलाई 51 लाख थी। तो अब ये 5 जुलाई से 12 जुलाई में 1.9 करोड़ थी, तो क्या आपको नहीं लगता है चार्ट पे देखना चाहिए कि 5 जुलाई के पास क्या हुआ? तो आ जाते हैं 5 जुलाई। अब ये देखो जून है, ये देखो, ये है ना 5, ये टॉप है, और 5 जुलाई से 12 जुलाई ये देखो, ये वो टाइम है जहां मार्केट टॉप लगा, आई बात समझ में? और उसके बाद वॉल्यूम गिरता गया है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ लर्निंग। ये कोई नहीं सीखेगा तो नहीं कमा सकता, ये भागम दौड़ करके खरीदी नहीं होती, ये बेवकूफ़ बनाओ स्कीम होती है। तो ये जो डेटा है ये चीख चीख के कहता है कि भैया यहाँ पर तो खेल हो गया, कट गए लोग, इससे सिंपल डेटा ही नहीं हो सकता है। और आपको ये RVNL का डेटा दिखाया है। तो बिग प्लेयर ने क्या किया, माल छोड़ दिया, रिटेलर ने क्या किया, माल को लपेट लिया, यही तो होती है। अब आप कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर ने ही बेचा, ये कैसे मान लें? तो उसको भी एक छोटे से प्रूफ से समझाते हैं। तो अब वो प्रूफ क्या है, वो है ये बल्क डील का डेटा, वो भी RVNL का। अब आप घर जाओ, मेहनत करो, हर स्टॉक में देखो कैसे 30 अगस्त के पास भी, 10 जुलाई के पास भी और 9 जुलाई के पास भी कैसे ये बल्क में गेम हुआ है। तो ये जो 10 जुलाई के पास देख रहे हैं क्या है कि ऐसी जो HFT कंपनी है, इन्होंने इंट्राडे ट्रेड किया लेकिन बाय सेल में सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप कह सकते हो ना बाय सेल दोनों हुआ बट सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब ट्रेड तो किया लेकिन होल्डिंग को भी बेचे। तो अब आप कहोगे HFT का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड, जो ऐसे मिनट में होते हैं ऐसे, और इसको करने वालों को HFT ट्रेड कहा जाता है, जो इंट्राडे में कम टाइम के लिए स्टॉक को बाय सेल करते हैं, बट इन्होंने होल्डिंग बेची है, याद रखिएगा। लेकिन जब भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, और यहाँ आता है हमारा दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ऐसी सेलिंग देखने को मिली, और वो है वैल्यूएशन। कई बार पुरानी वीडियो में हमने रेलवे स्टॉक के वैल्यूएशन की बात की थी, और सिर्फ रेलवे नहीं, डिफेंस पे भी बात की थी, बड़ी गालियां पड़ी थी भैया शिफ्ट कर लो, बट कह रहे अग्रवाल जी आपको कुछ आता ही नहीं है, ज्ञान दे रहे हो आप, अब ज्ञान निकल गया। तो अब वैल्यूएशन क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टॉक के क्या होते हैं PE रेशियो, PG रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू को देखते हैं। आइए, ये वीडियो करीब 4 दिन की मेहनत से बनी है, एक एक डेटा लेकर। ये सारे रेलवे के स्टॉक हैं, RVNL, टेक्सको, एयरकॉन, ठीक है, इनका PE रेशियो है, इनका इंडस्ट्री PE है, इनका PG है, प्राइस टू बुक वैल्यू है। हर लेवल पे आप देखो तो शेयर क्या है, हर लेवल पे महंगा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1, और 1.5 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर उससे ऊपर है तो महंगा कंसिडर किया जाता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी महंगा। PE रेशियो इंडस्ट्री के बराबर होना चाहिए या इंडस्ट्री से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो भी ठीक है, या नीचे हो तो ग्रोथ मिलता है, वो भी भैया बहुत महंगा है। PG रेशियो 1 के पास होना चाहिए, वो भी बहुत महंगा है। अब आप थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे ना, थोड़ी सी और मेहनत, तो आप हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर जाओगे तो आप चेक करना, आप पाओगे कि भैया ये जो शेयर जितने भी रेलवे के हैं, जिस समय सरकार का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, रेलवे में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, रेलवे को ऑर्डर बुक मिलने लग गए थे,
यानी रेलवे के शेयर की पहली रैली की शुरुआत। उस समय सारे कचरे के भाव में पड़े हुए थे। कचरे के भाव में मतलब वैल्यूएशन वो कि सोना मिल रहा है मट्टी के भाव में। आई बात समझ में? सोना क्या मिल रहा है? मट्टी के भाव में। अब आता है ऑर्डर बुक और क्वार्टरली रिजल्ट, राइट? ऐसे देखते हैं, समझिए। डिफेंस में भी आप ऐसे देख सकते हो। जब रेलवे स्टॉक की रैली शुरू हुई थी, मैंने अभी तुरंत बताया, उसका रीज़न क्या था? ऑर्डर बुक, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी, तो रेलवे को ऑर्डर आने चालू हो गए सरकार के प्रोजेक्ट से। सरकार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही थी और स्टॉक चूँकि मट्टी के भाव में थे तो वो रॉकेट बन गए, राइट है? लेकिन वहाँ पे एक हुक है। अब ऑर्डर तो मिल गए, बट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा कि नहीं? फिर जब देंगे वहाँ से पैसा आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इन सब में 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। अब जब वो सब हो जाएगा तभी तो वो रेवेन्यू और प्रॉफिट में झलकेगा, तभी तो वो प्रॉफिट स्टेटमेंट में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। और लास्ट क्वार्टर के अगर कंपनी के रिजल्ट देखें तो लगभग सारे ही रेलवे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो क्या कंपनी कुछ खराब कर रही है? नहीं, बल्कि रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कम होने का कारण है भैया कि ऑर्डर आए हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वो भी देखिए, वो भी डेटा हमने निकाला है। अब ये देखिए जून क्वार्टर रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ये देख लो दोस्त किस तरीके से निगेटिव में। तो लोग तो इतनी गहराई में जाते नहीं है। जब हम कह रहे थे डिफेंस और रेलवे से स्विच कर लो, लोगों को लग रहा था भैया अग्रवाल जी को कुछ मालूम नहीं है, आप लोग फोमो के शिकार हो रहे थे, मैं रह गया। लो, रह गए, निकाल दी सारी हवा। सारी हवा ही तो निकल गई, बाकी बचा क्या? तो इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। जहाँ पे हमने वैल्यूएशन को पकड़ा, जहाँ पे किस तरीके से बड़े प्लेयर एग्जिट हुए उसको पकड़ा, किस तरीके से रिजल्ट गिरा वो पकड़ा। रिजल्ट से कंपनी ख़राब नहीं है, बल्कि इनको ऑर्डर मिला, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, वो बताया। तो ये सारी पिक्चर आपके सामने है। बट सवाल ये है कि कौन कौन इंसान ऐसा है जब हाई पर हम कह रहे थे भैया अब एग्जिट कर लो तो सुना, बाकी लोग नहीं सुना। इसी को बोलते हैं किसी को विश्वास के साथ फॉलो करना, उसकी सारी वीडियो को देखना। तो ये भैया ऐसे मेजर रीज़न हैं जिसके कारण आपने रेलवे के शेयर में क्या हुआ, गिरावट देखी। अब आप चाहते हैं डिफेंस में ऐसे ही बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट ये लर्निंग को पेपर में नोट कर लीजिएगा तो आगे किसी भी सेक्टर में इस लर्निंग के आधार पर आपको हेल्प मिल सकेगी। और इस वीडियो को घर घर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।